फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट द्रव वंस अगेन। सो अभी मैं हूँ मेरे घर पे एंड एवरीथिंग इज पैक नाउ। इट्स 4:00 इन द मॉर्निंग एंड आई एम लिविंग राइट नाउ फॉर मुंबई। सो आज का जो होल्ड है, आई एम गोना स्टे इन अहमदाबाद एट काकाज प्लेस। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है पास राइट का, तो यू गाइज नो कि कौन है काका। आई विल टेल यू गाइज मोर अबाउट काका एंड एवरीथिंग ऑन द रोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। Okay guys, leaving now. सो अभी हम निकल पड़े हैं मेरे गांव से। एक बार मैंडेटरी चेक कर लेते हैं। ओके, आगे वाला टायर में हवा है अपना 31.2, बिकॉज अभी धीरे धीरे चलेगा तो आई थिंक 32 हो जाएगा, जो कल भी हुई था 32.7 एंड पीछे वाले में अभी है 36.5। इज ऑल गुड। अभी टेम्परेचर मुझे दिखा रहा है 14 डिग्री यहाँ पर। फ्यूल रेंज अपना है 327 का। So let's go. Let me put the map. Map लगाया था मैंने। हाँ चलो, all good so far. Let's go. अभी बाइक थोड़ा रोटेशन हुआ है तो ए प्रेस 32.7 हो गया आगे का और पीछे का 37.9। तो मैं 30 पीछे रखा था और 33 आगे रखा था। दैट्स हाउ आई ऑलवेज कीप इट बैक। सो नाउ वी विल बी बैक ऑन NH8। NH8 जो अपना यहाँ पर है उसके बाद आगे टोल आएगा तो विल हैव चाय ओवर देयर, देन भगाते हैं। आई नीड टू बी इन जयपुर बाय 6:00। टाइम हुआ है 4:21। जयपुर यहाँ से 220 किलोमीटर है। आई थिंक आई विल मेक इट इन 1.5 आवर। वेरी इजी, आई डोंट थिंक इट्स फार अवे। ये मेरा मैंडेटरी स्टॉप है। जब भी मैं घर पे आता हूँ मैं चाय यहीं पे पीता हूँ, फिर यहाँ से चाय पी के मैं निकल जाता हूँ एक लंबे ट्रिप के लिए। चलो जी एक चाय पीते हैं फिर मिलते हैं रोड के ऊपर। Now and I reach at Jaipur Kings Hotel Highway King. So I'll stop here for a breakfast now. I guess ये अभी तो खुला भी नहीं होगा। चालू अभी? हाँ, 7 बजे के बाद। Okay. So अभी टाइम हुआ है 6:36 और टैंक का अपना रिजर्व लग गया है। सरप्राइज कभी भी हो सकता है, पूरा ऑरेंज लेकर रखा है। 10-15 मिनट्स में सरप्राइज हो जाएगा। सो पहले अभी टैंक फुल करते हैं फिर देखते हैं कुछ खाने के लिए। बहुत भूख लगी अभी।
आई थिंक कोई है नहीं यहाँ पर। हाँ मिला, कोई तो आ रहा है उठ के। चलो फट रही है। इट्स 12 डिग्री सेल्सियस 639। मैन अगर इस गाड़ी में हीटेड ग्रिप्स नहीं होता तो क्या होता, लग जाती। फुल कर दो। मुझे अवॉइड करना था वरना क्या करें, यू कांट अवॉइड। सो भी पेट्रोल भरा के हो गया है। फाइनली अब टाइम हो रहा है 7:14। सब थोड़ा ऊपर आ गए टेम्परेचर अभी है 12 डिग्री। सो फाइनली स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर। सो अभी हमने जो डिस्टेंस कवर किया 411 किलोमीटर इन 3 hours 46 minutes में, एवरेज स्पीड हमारा आया है 119 किलोमीटर का। I think we are covering really good distance right now. 3 hour 40 minutes we will cover over like 4-10 kilometers. Not bad. So we have to breakfast karke ho gaya. Now we need to change the lens. So what I do always like in the night, I clear glass use karta hu. Day में I use अब ये क्या होके रखा है यहाँ पे भाई, या तो कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ तो फड़ा है। पूरा पत्थर ही पत्थर बिछा के रख रोड के ऊपर। क्या हो गया कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। सो अभी हम लोग पहुंचे हैं 100 किलोमीटर बिफोर उदयपुर। इट्स 9:29 एंड 98 किलोमीटर पे उदयपुर है। आई थिंक वी कवर्ड वेरी गुड डिस्टेंस। जब से बड़ा वाला विंडशील्ड निकला है अच्छा खासा विंड ब्लास्ट आता है, और आई थिंक आप लोगों को मैसेज हो रहा होगा ब्लास्ट कितना ज़्यादा आ रहा है, पर ठीक है ब्लॉक करते हो तो मुझे दिक्कत आती है, अदरवाइज आई एम रियली गुड। आई लव द विंड कमिंग ऑन द फेस। अभी हम लोग हैं रात द्वारा ज़्यादा है सभी वापस से अपना टैंक रिजर्व लग गया है एंड वी आर 40 किलोमीटर बिफोर उदयपुर। इतना जल्दी सोचा नहीं था इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा। जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं मुझे लग रहा है कि 2-2.5 घंटे। सो अभी हम लोग हैं 30 किलोमीटर बिफोर उदयपुर। पेट्रोल पंप देखा अपने को तो भरा लेते हैं। चलो सो पेट्रोल भरा के हो गया अपना। अभी टाइम हुआ है 10:13। लेट्स गो।
So guys, finally here in Jaipur. हमने 5 घंटा 44 मिनट में 608 किलोमीटर पूरे किए हैं, जो कि काबिल तारीफ है। ऐसा तो इंटेंशन था नहीं इतना जल्दी करने का, बट अपने आप ही हो गया है, आई डोंट नो। बट मेरा जो इससे पहले वाला रिकॉर्ड है, वो जो मैंने इंटेंशनली किया था, वो 5 घंटा 22 मिनट का है, उसमें 5 घंटा 44 मिनट हो गया है। इतना हाँ, जब भी आप किसी बड़ी सिटी में एंटर करते हो तो उसकी पहचान उसका ट्रैफिक होता है। बट एज यू कैन सी इट्स वेरी क्राउडेड, चेन्नई है। तो जब कभी मैं रुकता हूँ उदयपुर में, यहाँ रुकता हूँ मैं, यह ले रोही, वेरी नाइस होटल, मेरे दोस्त का ये है टाइगर। सो वी मेट फर्स्ट टाइम इन दिल्ली, चाय पी सिंपली गाइस। So early, 5 hours 45 minutes from Delhi to Udaipur. It's very fast. Let's go in Delhi right first. 121. Sometime in 40 minutes. So, चाय पी के हो गया है ना। वो जब भी कहीं मैं गाड़ी पार्क करता हूँ या कहीं रुकता हूँ लंच के लिए, चाय के लिए, ब्रेक के लिए, ऐसे ही भीड़ जमा होती है। एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कितने की है, कितना देती है। एंड आई एम नाउ ऑलरेडी बोर्ड विद द क्वेश्चंस, इट्स बीन मोर देन 2 इयर्स नाउ। सो ओके, लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे भाई, और जो भी कर रहे हैं मस्त लग रहा है देखने में। चलो अच्छा, अपना देश तरक्की कर रहा है। ओ, अपना किलोमीटर हो गया है 80,006। मैं तो दिखाना ही भूल गया था यार, अभी अपना 80,006 किलोमीटर हुआ है पीटी का अपना कंप्लीट। तो अभी मैं जा रहा हूँ काका के यहाँ पर, जिन लोगों को मालूम, मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा ही होगा मेरा पास का राइड 5 passes टू हिमालयाज। जिन लोगों ने देखा है दे नो अबाउट काका कौन है, पर जिनको नहीं मालूम है काका कौन है, सो लेट मी जस्ट टेल यू वन। पहली बार मैं काका को मिला था अलीबाग की राइड के ऊपर। उसे मिलते हो पहली बार तो एक अलग सी वाइब आती है, अब बहुत जल्दी अटैच हो जाते लोगों से। सो काका वन ऑफ देम, मुझे बहुत जल्दी उनसे लाइक एक ही मुलाकात में मेरा ग्रेट बॉन्डिंग। एंड मैंने उनसे तुरंत पूछा कि वी हैव ए पास 5 passes का राइड, यू वांट टू जॉइन। काका, आई थिंक काका गॉट द सेम काइंड ऑफ वाइब जो मुझे उनसे आया, एंड ही सेड यस ऑन द स्पॉट कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ही इज 54 एंड वो हमें टफ दे रहे थे लाइक उस एज में, द वे ही राइडिंग, द वे उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। वो काका इतना राइड करते हैं साइकिल, ही राइड 65, 80, 90 एवरी डे, और वो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं साइकिल के ऊपर लद्दाख करने का। So, guys, he's an inspiration for everyone, like, he inspired me a lot. उस राइड के बाद मैं अभी काका से मिलने वाला वापस से, और यहाँ से हम लोग वापस राइड करने वाले हैं वायनाड के लिए। वी ऑल राइडिंग टू वायनाड, इट्स गोना बी फन। मैं भी वायनाड जा रहा हूँ, बट अभी मैं पहले बाइक का सर्विसिंग कराना है, बिकॉज 80,014 किलोमीटर अपना हो गया है। 80,000 पे सर्विसिंग होता है, बट 5,000 किलोमीटर ऊपर नीचे होता चलता है। तो अपने को बॉम्बे पहुँचना है, पहले सर्विसिंग कराना है, सर्विसिंग करा के निकलना है वायनाड के लिए। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं गुजरात, यहाँ पर नॉर्मल बैरिकेडिंग लगा कर रखा है जो हमेशा होता है। ऐसा कुछ चेक पोस्ट पे कुछ पुलिस खड़ा हुआ चेक नहीं कर रहा है। सुबह सुबह की बात है, हमारी सर्दी में फट रही थी अच्छी खासी, लाइक हालत ख़राब हो रही थी कि इतनी ज़्यादा ठंड है, 10 degrees है, 12 degrees हुआ, 11 degrees हुआ, 14 हुआ,
अभी गर्मी में हालत खराब हो रही है, इट्स 28 डिग्री नाउ और मैंने जितने कपड़े पहने हैं सब उतारने का मन कर रहा है। 149 हाँ सर लोग आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मैं, इट्स 2:00 एंड वी मेड इट ऑन टाइम। वाह क्या प्रॉपर्टी है काका की यार, मजा आ गया। सो दोस्तों मैं पहुंच गया था दोपहर को 2 बजे के आसपास एंड दिस इज वेयर आई एम स्टेइंग एंड दैट्स वेयर द बेला पार्क। काका से बात हुआ, काका शाम को कुछ 7 खरीद कर रहे हैं, निसर्ग भी तभी तक आने वाला है एंड दैट्स काकाज प्रॉपर्टी वीर एम स्टेइंग राइट नाउ। इट्स अ काइंड ऑफ अ फार्म हाउस जहाँ पर लोग आते हैं। अभी आई थिंक काका यहाँ पर है नहीं, काका स्टेइंग इन अहमदाबाद वाला बंगलो में। वाह जन्नत है यार, लाइक चारों तरफ क्या चाहिए आपको, हरियाली हरियाली है, इट्स फुल ब्लास्ट एंड आई एम श्योर शाम को जो पार्टी होने वाली है वो गोना बी किलर, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। चलो अभी आई एम रियली टायर्ड सो मैं जाता हूँ, जाके सोता हूँ, शाम को बात करते हैं।